हे गाइस, वी आर बैक। और इस वक्त आजकल हम सब भी कोशिश कर रहे हैं कि घरों में रहें, ज़्यादातर बाहर ना निकलें। हम ये वीडियो अभी शूट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता जब तक ये वीडियो आती है तब तक क्या हालात होते हैं। अगर आप लोग घर पे बैठे हुए हैं और आप बोर हो रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही है क्या करना है, तो हमने कुछ रिकमेंडेशंस आपके लिए निकाली हैं ड्रामों की, दैट यू कैन वॉच विद योर फैमिली। और ये हमारा है हसीना मोइन स्पेशल। वी हैव चोजन सम ड्रामास फॉर यू दैट यू कैन वॉच विद योर फैमिली, कुछ हंसी के साथ, मजाक के साथ, कुछ स्माइल्स के साथ, कुछ टीयर्स के साथ। बिल्कुल, बिकॉज ये हसीना मोइन की खासियत है। यही खासियत है, वो आपको मुस्कुराएंगी, आप उनके ड्रामे देखते हुए मुस्कुराएंगे भी, थोड़ा सा रोएंगे भी, कोई एक मैसेज भी आपको शायद आ जाए। कुछ ज्यादा ही रोएंगे, कुछ ज्यादा ही रोएंगे। नहीं देखिए, अंकल उर्फी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, अंकल उर्फी, अंकल उर्फी जब आया है उस जमाने में, शकील साहब जो थे वो ज्यादातर फिल्में कर रहे होते थे, तो वो फिल्म के एक एक्टर थे जो टीवी पे आए थे, तो वो ग्रैंड एक उनका था। पहला सीन भी वही है कि वो जहाज़ में बैठे हुए कनाडा से पाकिस्तान आ रहे हैं। सर, हैव टू से सॉरी, मैं आपका, शकील से बड़े गुड लुकिंग होते थे। अभी भी गुड लुकिंग है, मसला तो ये है सारा ना। भी लेकिन उस जमाने में तो ही यूज्ड टू बी अ हार्ट थ्रॉब, राइट? ऐसा वैसा भाई, औरतें लड़कियां पागल, सब पागल, सब पागल। तो शकील साहब जी जब उसमें आते हैं तो अब अंकल उर्फी, अब वो अंकल वाला है, अंकल है नहीं, मतलब वो क्योंकि उनके रिश्तेदार इतने सारे हैं तो इस वजह से वो अंकल है ना। तो वो जब आते हैं वहाँ से बहुत ज़बरदस्त, तो वो उनका वही की शादी भी होती है, तो उसमें अज़रा शेरवानी का कैरेक्टर भी है जो उनको बार बार उनकी बहन का, कि वो बार बार उनसे कह रही हैं कि शादी करो। सो बेसिकली कहानी है कि एक बंदा बाहर से आया, उसकी बहन उसकी शादी करवाना चाह रही है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं आपस में। ये जैसे जमशेद अंसारी का कैरेक्टर था, वो हसनात भाई वाला, जो चाकू है मेरे पास, मशहूर लाइन अगर आपने अपने बड़ों से सुनी है या कभी टीवी या वैसे सुनी है कि चक्कू है मेरे पास, और प्लस वो टोपी, चक्कू है वो टोपी, और वो टोपी। तो ये अंकल उर्फी का ही के वो है, बाकी उसमें और भी कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा थे। नहीं नहीं, शनाज शेख खान तो बेचारी बच्ची होगी, तो इस और बहुत सारे लोग थे उसमें। जो लीड हीरोइन बीना उनका कैरेक्टर का नाम था, उनका एक्ट्रेस जो थी उनका मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो अंकल उर्फी क्यों देखे लोग, तीन रीजंस बताइए। देखिए, नंबर एक, वो पहला ड्रामा था जिसके एंड ने सबको रुला दिया था। ओके, ठीक है। द हीरोइन डाइड इन द लास्ट एपिसोड, नहीं डाइड भी सुसाइड, क्योंकि वो ओवर हेयर कर लेती हैं शकील साहब और अपने अब्बा की गुफ्तगु। अच्छा, अब हम नहीं बता रहे हम, हाँ, कोई ऐसी बात होती है, मगर वो जो उनका डेथ सीन है वो इतना अच्छा शूट हुआ है ना, कि पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने सीढ़ियों से उतरते हुए, वो जब उनने मतलब वो ड्रग्ड है ना, और वो दिखा रहे हैं, फिर वो सोच रही है कि मेरी शादी होने वाली होती है, मेरी शादी हो गई है। मेरा बहुत डिप्रेसिंग सिनेरियो बता रही है, अंदाजा भी नहीं है कि वो ड्रामा कितना हिट हुआ था। हाँ, नहीं हिट तो कैरेक्टर्स, तो आई थिंक अगर चीख जिन लोगों को पसंद आया था, इतना डिप्रेसिंग और इतनी सैडनेस, तो मे बी वो लोग शायद अंकल इसमें सिर्फ आखिरी एपिसोड में सैडनेस थी बस, बाकी सब में हंसी है, बाकी इतना हंसी हंसी। सेकंड रीजन शकील साहब, शकील साहब गुड लुकिंग। थर्ड रीजन इसका कि हसनात भाई, हसनात भाई का कैरेक्टर, यू आप हंस हंस के लौट, हाँ वो जो था उनका, नहीं 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 नहीं, ये वो देख करके जो बुलाते हैं लोगों को, वो बहुत जबरदस्त है। तो ये तीन चीजें तो आप मस्त निकाल लें। सो मुझे याद एग्जैक्टली नहीं है अंकल उर्फी कंप्लीटली, मैं भी जाके, मैं भी पैदा नहीं हुआ था उस वक्त जब वो आया था, लेकिन उमेर की रिकमेंडेशन है तो आप लोग जरूर देखिए। एंड ही इज सेइंग कि थ्रू आउट यू विल बी लाफिंग अदर देन द लास्ट एपिसोड। हाँ जी, नेक्स्ट ड्रामा अनकही। देखिए, अनकही की खास बात सबसे बड़ी ये थी कि एक तो फैमिली ड्रामा था, सब देख सकते थे साथ बैठ के, और उस जमाने में कल्चर भी ये था, चैनल एक था, टीवी भी एक ही होता था, तो सब लोग 8 बजे घरों से अपने आके, स्कूल से फारिग होके, पढ़ाई वढ़ाई करके सब टीवी के आके बैठ जाते थे। 8 बजे का टाइम होता था कि हमने भाई, एक वक्फा 8:20 पे आता था, एक वक्फा 8:40 पे आता था, काम खत्म, ठीक है, सिंपल जिंदगी थी। 9 बजे खबरनामा है तो आप 8 से 10 बुक्ड हैं। तो अनकही उस जमाने का ड्रामा है, 82-83 का, शुएब मंसूर, मोहसिन अली ने डायरेक्ट किया दोनों ने, एक लिखा, और हसीना मोइन ने लिखा। सना मुराद का कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो गया था कि लोगों ने सना नाम रखना स्टार्ट कर दिया था। आपको जितनी सनाएं मिलेंगी, ये शहनाज शेख का पहला ड्रामा था, हाँ, जितनी सना खातून खवातीन मिलेंगी ना नाम की, सही है, वो सब अनकही के बाद की। अच्छा, ड्रामे के अंदर कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, मतलब एक टिमी है जिनका नाम तमीजुद्दीन है, लेकिन वो टिमी है, अच्छा, उस जमाने में टिमी है, सही है। फिर मोबी एक कजन है जो आपका अमेरिका से आता है, तो अब सोच लीजिए वो सब सबके कजन अमेरिका से आते हैं, वो वैसे ही होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर मामू है, जो मामू जो कुछ नहीं करते हैं, फारिग हैं, लेकिन उनका हर मसले का, हर मसले का हल उनके पास है। एक बेट भाई है जिब्रान, वो तो मेरा कैरेक्टर जिब्रान कहता है, और जिब्रान के क्या क्या डायलॉग्स होते थे इतने मजे के, आप सोचिए, यही तो कैरेक्टर्स, और हर कैरेक्टर का अलग डायलॉग, मतलब मामू जो है उनको कह रहे, मामू वो मरियम की शादी तोड़वानी है, तो मेरे पास क्यों आई हो, कि मामू आप तो शादी तोड़वा सकते हैं, तो वो वाली चीजें जो है ना, और
सना खुद जो है वो एक चुलबुला सा कैरेक्टर है कि उनको कुछ पता नहीं करना क्या है दुनिया में। अच्छा। वो बस विद द फ्लो चल रही है। और ये तो खाली वो कैरेक्टर है जो शुरू के एपिसोड में आती है। फिर फराज का कैरेक्टर है जो जावेद शेख का है, जो लड़की को देखते लट्टू हो जाते हैं पहले। हाँ। उन्हें नहीं पता कि टिमी और मोबी भी चक्कर में होते हैं। अच्छा, तो सारे लोग ये सना मुराद के पीछे। मगर टिमी मोबी बाद में मरियम के चक्कर में हो जाते हैं जब धोबी की बेटी आती है उनके यहाँ, जिसको वो अडॉप्ट कर लेते हैं एक तरह से। और फिर उसकी शादी के चक्कर में, चूंकि उसकी शादी खराब करके आ चुकी होती है जो होता है। सो मतलब काफी ना मजे की शरारतें, हंसी मजाक, जोक्स, और ये स्कीमिंग चल रही है। और लेकिन सब लाइटर नोट पे, कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सीरियस कोई नेगेटिव नहीं है, फैमिली ड्रामा नहीं आया है इसमें। फिर आगे जाके आता है, आगे जाके भी थोड़ा बहुत आता है, मतलब थोड़ा सा आता है, मगर इतना नहीं। सना मुराद का को रियलिटी पता चलती है, बॉस की और सब कुछ, सब कुछ देखे। बॉस का भी है, फराज भी है, रोमांस है भाई। उसका एक सीन है जिसके अंदर वो रेस्टोरेंट में जाते हैं और उनको वो लेके कहते हैं आप हमें लेके चले फराज को, और फराज के पास पैसे नहीं होते हैं। तो वो खाना खाने के बाद जाते हैं और रिसेप्शन पे कहते हैं ये मेरी घड़ी आप रख लें, ठीक है मैं आपको पैसे दे दूंगा आके। तो अगले सीन में वापस निकलते हैं दोनों, मिसबा खालिद और ये, और जाके उनको कहते हैं वो आपकी घड़ी वहाँ रह गई थी। और मजेदार, मतलब इतना लाइटर मोड में वो पूरा ड्रामा है, आप देखें और पूरे घर वालों के साथ। तो अगर आप इस वक्त बहुत सैडनेस में और डिप्रेशन में है कि क्या हो रहा है दुनिया में, तो एक लाइटर नोट पे आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाएगा। बिल्कुल। अनकही मतलब हमें कहने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने अनकही को मेंशन किया है। कोई अनकही से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके पास? शहनाज शेख का पहला ड्रामा था और वो उनका आखिरी ड्रामा भी था। सही है, उन्होंने उसके बाद मना कर दिया था। कहाँ से डिस्कवर हुई थी शहनाज शेख, कुछ पता है? शहनाज शेख बेसिकली लाहौर नहीं, मिली कहाँ से थी भाई? हसीना मुइना फातिमा सुरैया भैया को मिल जाती थी। हाँ वैसे ये बात सही है, फातिमा सुरैया भैया तो फेमस ही ना, क्योंकि ड्रामे में एक नई हीरोइन इंट्रोड्यूस होगी। ये भी हसीना मुइना भी ये करती थी, नई करती थी या रीडिस्कवर करती थी। तो उसमें ये जो था इसके अंदर भी ऐसे ही हुआ था। अच्छा, सना मुराद का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया, ये भी इसका भी बहुत क्रेडिट जाता है कि वो कोई झल्ली सी या कोई बिकॉज कॉम्प्रोमाइजिंग गर्ल नहीं थी, शी हैड अ माइंड ऑफ हर ओन, उस जमाने के लिहाज से बहुत एडवांस, बहुत एडवांस थी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट ड्रामा द वन एंड ओनली तन्हाइयां। तन्हाइयां, क्योंकि तन्हाइयां वो ड्रामा है जो आप आज भी देखें 30-35 साल के बाद भी, तो आपको उतना ही मजा आता है जैसे उस वक्त था। मैंने ड्रामे मोस्टली सारे देखे हैं जिनकी हम आज बात करें, लेकिन तन्हाइयां मेरे माइंड में बहुत क्लियर है। एंड मैं आज भी मतलब मैं वो ड्रामा में याद करूँ, मैं सोचूँ क्या अमेजिंग लिखा है, क्या अमेजिंग सीन है। शुरू में आपने ट्रेजिडी दिखाई, फिर एक सीरियस एस्पेक्ट पे लेके आ गया कि कैसे वो दोनों लड़कियां अपने माँ बाप को खो देती हैं, फिर वो कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करती हैं, फिर आपने उसमें कॉमेडी आ गई, 3 या 4 किस्तों के बाद कॉमेडी आ जाती है। एक्चुअली पहली किस्त में ही कॉमेडी है, तो शुरू की 2 किस्तें कॉमेडी है, उसके बाद ट्रेजेडी आती है। दूसरे के एंड में मरते हैं उसके माँ बाप, फिर उन दोनों बहनों का जर्नी है, और फिर जो कहानी है और जो सिचुएशंस हैं, हंस हंस के आप पागल। कबाचा इज फ्रॉम तन्हाइयां। फन फैक्ट, वो ड्रामा जो सुबानी बहनों साहब ने कोई कैरेक्टर किया, वो ऑफर किसको हुआ था पहले? किसको हुआ? तालिश। एहसन तालिश? नहीं, एहसन तालिश के अब्बा। ओ सीरियसली, तालिश साहब को ऑफर हुआ था, क्योंकि फिल्म डायरेक्टर एक बहुत बड़ा, तालिश साहब से बड़ा एक्टर तो कोई था ही नहीं उस वक्त, कैरेक्टर एक्टर। तालिश साहब को ऑफर, तालिश साहब मसरूफियात की वजह से नहीं कर पाए थे, तो सुबानी बहनों को दिया गया था। तो आप मुझे कुछ शहनाज शेख के बारे में भी इंटरेस्टिंग बताएं। शहनाज शेख इस ड्रामे में काम नहीं करना चाहती थी। सही, उन्होंने कहा मैं एक ड्रामा कर लिया बस काम खत्म। तो शहजाद खलील ने जाकर उनको कन्विंस किया कि क्यों करो। और इसी तरह से वो जो था उसके अंदर, अब आप कास्ट देखिए ना, शहनाज शेख, आसिफ रजा मीर, मरीना खान का पहला सीरियल, उससे पहले वो कर चुकी थी निशाने हैदर, राशिद मिनास वाला, फिर बदर खलील, सुल्ताना जफर और सुबानी भाई यूनुस, थे बैरो सब्जवारी, काजी वाजिद, अजरा शेरवानी, जमशेद अंसारी, मतलब आप कहाँ तक जाएंगे। काजी वाजिद का कैरेक्टर कितने मजे का कैरेक्टर था। एग्जैक्टली, ही वाज सच अ ग्रेट कैरेक्टर। अच्छा, उसके बाद आसिफ रजा मीर जो है वो आगे जाके इंट्रोड्यूस होते हैं, हीरो तो शुरू में इंट्रोड्यूस भी नहीं है। सोचिए वो ड्रामा, हीरो ही नहीं है, हीरो शुरू में है ही नहीं, बाद में जाके इंट्रोड्यूस होता है। और वो जो लास्ट सीन है उसका, 2 सीन मुझे बहुत पसंद है, जब आनी हाँ बोल देती है, तो वो शुरू में खैर उसके तो हर सीन, अब वो सीन जिसमें हानी क्या नाम है, बदर खलील खड़ी हुई है, और ये दोनों घर आते हैं उनके, हानी कैसी हैं आप, ठीक है, ये है वो, और वो खाली आती है कैमरा बैक पे उनकी, और वो दोनों गले लगते हैं और वो कुछ नहीं बोलती हैं। और शहनाज शेख कहती है हानी क्या हुआ, और फिर शहनाज शेख पीछे होती है उनको देख के क्या हुआ, और जो एक्सप्रेशन है वो आज के सारे ड्रामों के भी आप मिला लेना तो वो नहीं है। और लास्ट सीन उसका ऐसा आइकॉनिक सीन है, वो आज भी हम लोग देखते हैं तो हमें रोना आता है। कॉमेडी देखें, कॉमेडी स्टोरी, कॉमेडी ट्रेजेडी, ग्रेट स्टोरी, ग्रेट स्टोरी, ग्रेट ह्यूमर, इतना अच्छा ड्रामा बन ही नहीं सकता। हाँ, that's, पहला ड्रामा था पीटीवी का जिसके अंदर बैकग्राउंड स्कोर यूज किया गया था, प्रॉपर ओरिजिनल, उससे पहले अर्शद महमूद थे,
और वो म्यूजिक आज भी वो आज भी कहीं आएगा ना तो आपके दिल में एक अजीब सी वो होती है और आपकी आंखों में एक आंसू सा आता है। कबाचा को देख लेना, कबाचा सबको पता है, जैसे हसनाद भाई थे कैरेक्टर निकल गया उसमें से, इसी तरह से कबाचे इसमें से निकले थे और कबाचा आज भी पॉपुलर है, मतलब सीक्वल बना दिया ड्रामे का। और कुछ देखे नहीं देखे आप तन्हाइयां जरूर देखिए। बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट वन धूप किनारे। धूप किनारे देखिए, धूप किनारे जब आया था उस जमाने के लिहाज से वो एक बहुत एडवांस ड्रामा था। सर मैं, मुझे थोड़ा मसला हो रहा है, धूप किनारे और तन्हाइयां मैं सोच रही हूँ। यू विल पिक अप तन्हाइयां। हाँ देखिए, तन्हाइयां इसलिए कि तन्हाइयां पहले आया था नंबर एक। हाँ। सही, धूप किनारे जो है वो एक एक ही डायरेक्शन में जा रहा था डॉक्टर्स और इस सब में ना, लेकिन तन्हाइयां में देखिए धूप किनारे में कोई ट्रेजेडी इतनी बड़ी नहीं थी ना जितनी तन्हाइयां में थी। धूप किनारे में तो ये था घर था उनका और वो अगर ऑल टाइम लिस्ट निकाले ना तो मेरे लिए वारिस और फिर तन्हाइयां है, वो बीच में कोई भी नहीं है। वारिस मुझे पहले, फिर तन्हाइयां फॉर श्योर। भाई तन्हाइयां में अब देखो धूप किनारे का है, एक तो उनके जो हेयर कट था मशहूर हो गया। अच्छा ये क्योंकि हम बहुत पुराने जमाने की बात करें ना, उस वक्त लड़कियों के छोटे बाल इतने होते ही नहीं थे, तो मरीना खान आई और उनके बॉय कट से थोड़े से बड़े बाल होंगे एंड बहुत कूल लग रही थी, तो वो तहलका मचा दिया उन्होंने। डॉक्टर अहमद का नाम और डॉक्टर अहमद खुद, डॉक्टर अहमद जो थे राहत काजमी, हमारे हॉट डूड उस वक्त के लड़कियां पागल थी, 40s में थे उस वक्त, उस वक्त 40s में थे। अच्छा फिर उसमें रोमांस जो दिखाया है वो एक बड़ी एज का बंदा एक छोटी एज की लड़की, हाँ बॉस बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट, सो ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज थी जो लोगों को। और रोमांस भी क्या था, खाली हाथ पकड़ा, हाँ, वो हाथ ही पे काम खत्म हो गया सारे ना, वो मतलब दोनों को मोहब्बत हो गई। डॉक्टर अहमर का जो कैरेक्टर है ना वो वाला है एरोगेंट और बड़े यू नो रूड से और उस तरह के रख रखाव वाले बट गुड लुकिंग जो डॉक्टर्स होते ना, वो वाला कैरेक्टर जिसके पीछे हर लड़कियां मरती है अंदर से उस जमाने का फैशन जो दिखाया है। आई थिंक टीजेस ने स्पॉन्सर किया था ये भी, तन्हाइयां भी, अनकही भी, उसके कपड़े मरीना खान के, टीजेस उस वक्त करता था, टीजेस उस वक्त करता था और टीजेस ने बहुत किया। जमशेद राइट, उनके वालिद, उनके वालिद। तो खैर अब मैं आपको बताऊं देखने की वजह क्या है। धूप किनारे पाकिस्तान में उससे पहले ड्रामे जो बनते थे वो सारे के सारे किसी मतलब कोई प्रोफेशन पे नहीं होता था। ये पहला ड्रामा था जो आपके जो मेडिकल ड्रामे अमेरिका के होते थे ना, हाँ, वैसा था। यस यू आर राइट, बहुत सारे जैसे बाद में तो हाउस ऑफ स्क्रब्स आए हैं ना, उससे पहले भी बहुत सारे बनते थे। सो देखिए जी हम लोग कितना आगे पहले, पहले से चीजें पहले करते थे वो लोग, तो वो उसको देख के हमने किया, लेकिन बहुत एडवांस था। साजिद हसन पहला ड्रामा, सही है, और क्या एक्टिंग की है, वो आज भी ऐसे ही है, सिर्फ सिवाय उसके उनके बाल थोड़े मजीद कम हो गए लेकिन उसके अलावा वैसे के वैसे ही है। कहकशां अवान डेब्यू किया था, गायब हो गए उसके बाद, लेकिन क्या जबरदस्त एक्टिंग की थी उन्होंने। हमीद वाइन, काजी वाजिद कम रोल था, काजी वाजिद का रोल कम था लेकिन हमीद वाइन थे। अब वो अब्बा जो बाद में उन्होंने उसमें इस्तेमाल किए अंदाज अपना अपना में, कि अभी मेरी चाय का वक्त है, अभी मेरे लाइट जल रही है तो गुस्से में हूँ, लाइट अभी नहीं है तो मैं बहुत उसमें हूँ, काम कर रहा हूँ, अभी मैं फ्री हूँ, तो वो सारा कुछ था। और फिर अज़रा शेरवानी जो थी उनके साथ, तो ये सारे थे और सब के सब ने अपने अपने उसमें वो काम किया है। धूप किनारे वो ड्रामा है जो आप आज भी देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि वो 30-35 साल पुराना ड्रामा है। उसके जोक्स अच्छा, थोड़ा सा रिलेटिवली न्यू था तो शायद आप लोग ज़्यादा उससे कनेक्ट कर सकें, उसके जोक से उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी भी थोड़ी बेहतर होगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो यूथ के लिए आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा, स्टोरी भी है, ह्यूमर भी है। इट वाज डायरेक्टेड बाय सायरा काजमी, अमेजिंग डायरेक्टर, और रिटन बाय हसीना अमीन। पहला जो सीन होता है ड्रामे का उसमें पहली बार कॉर्डलेस फोन टेलीविजन पे दिखाया गया था, जिसमें वो बाहर बात करें तो हम सब परेशान, ये क्या चीज आ लिया है, तो वो बहुत ही एडवांस हसीना अमीन के ड्रामे होता ही था। तन्हाइयां में पहली बार आपका आखन हॉस्पिटल दिखाया गया था, और बहुत डिटेल में, इसलिए वो देखिए यही चीज होती है। तो धूप किनारे भी है, तन्हाइयां भी है, आप सब ड्रामे जो देखिए बैठ के। नेक्स्ट कौन सा, कसक। कसक तो पहली बार उसमें कराची एयरपोर्ट दिखाया गया था। देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ये रोल ऑफर किसको हुआ था, किसको, सायरा काजमी को। ओह ओके, उन्होंने मना कर दिया। क्यों उन्होंने, क्यों मना किया था, उस वक्त बेनजीर की हुकूमत थी, उसमें था कि आप दुपट्टा पहन के आएंगे, सायरा काजमी ने मना कर दिया, मैं नहीं पहनूंगी, कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड रुबीना अशरफ ने वो ड्रामा किया, हाँ, और उन्होंने पूरे उसमें आपको पता ही है कि उसमें कौन है, रुबीना अशरफ सर कवर किया था उन्होंने उसके अंदर। ओके ओके, स्टोरी जो थी उसकी वो यही थी कि वो एक रुबीना अशरफ उनका बेटा जो है वो मतलब इधर उधर कोई सहारा नहीं होता, एग्जैक्टली, तो हमीद वाइन उनको अपने घर ले आते हैं और उनकी बेगम से कहते हैं कि हमारी वो पोती जो खोई थी वो ये रही, तो वो टेक्निकली पोती होती नहीं है क्योंकि हमीद वाइन उसमें कबूल देते हैं कि मैंने, कि उनसे पूछती है कि भाई आपको
मुझे क्यों लाए, मैं तो निकाल के देखने कि मैं अपनी पोती को तो दफना खुद चुका हूं, हां तो मैं अपनी वाइफ को अकॉर्डिंग करता हूं, वो पालो तो मैं लेकर आया, तो वो ये सा चलता है। इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है मुझे, बहुत दफा हो चुकी है पहले। नहीं अच्छा ओके, फिर क्यों आप रेकमेंड कर रहे हैं? की एक फिल्म थी दो अनजाने, उसमें भी ऐसे ही कुछ सीन हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में तो पहली दफा। हाँ, उसके बाद फिर आई थिंक टीवी पे इस तरह की स्टोरी पहली दफा आई। भाई फिर जहाँ जेब गोरचानी, उसके अंदर उस जमाने के हॉट डूड और वो बहुत बहुत अच्छे आदमी होते हैं, विलन निकलते हैं। आपको एंड में जाके पता चलता है कि विलन निकलते हैं, एक सीन है वो अच्छे अच्छे आदमी होते हैं, अच्छे होते हैं वो। हाँ वो थोड़ा सा एक सीन है जिसमें गुस्से में ग्लास को वो शैटर करना होता है, वो अपने हाथ से ग्लास तोड़ देते हैं, ओरिजिनल सीन है। अच्छा, और हाथ तोड़ते हैं बाद में स्टिचेस लगती है उनके, लेकिन वो उस वक्त कंटिन्यू करते हैं कि कभी हो गया तो करो बैठ के, उस जमाने में लोग इतना वो करते। और ये कि सबसे बड़ी जो उसके अंदर चीज थी, वो जो बच्चा था जो सनी बना था, उसका कैरेक्टर वो टीवी एड में आता था जिसमें उसने एक्टिंग बहुत अच्छी की थी, और रुबीना अशरफ, रुबीना अशरफ इट वॉज डायरेक्टेड बाई मोहसिन अली, सही है, रिटन बाई हसीना मुईन, और उस जमाने के लिहाज से बहुत ही एडवांस ड्रामा था। और सो ह्यूमर है उसमें, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हसीना मुईन की जो अब कसक तक जो है वो सुपर डुपर हिट ड्रामे दे रही थी। उसके बाद फिर थोड़ा वो प्राइवेट प्रोडक्शन आ गई, दूसरे चैनल्स आ गए, नए एक्टर्स आ गए, तो वो थोड़ा सा उन्होंने स्लो करके फिर एंड में छोड़ दिया, क्योंकि वो कहती हैं कि अभी उन्होंने छोड़ा हुआ है इस वक्त। लेकिन आप इन पांच ड्रामों को देख लें, आपको मसला ही नहीं होगा, आप पागल हो जाएंगे देख देख। आई रियली विश हसीना मुईन वुड राइट अगेन फॉर अस, वी वुड लव टू वॉच अनदर ड्रामा बाय हर। तो आई होप आपको मज़ा आया हमारा रिव्यू सुन के। अगर आपने इनमें से कोई ड्रामा देखा है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप क्यों रेकमेंड करेंगे, आपका क्या व्यू है इस पे, और अगर नहीं देखा था और हमारी बात सुन के जाके देखा है तो बताइए कि आपको लगा कैसा वो ड्रामा। स्टे सेफ, स्टे इनसाइड।